हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। कह रहा है कि कंसीडर द फिगर एंड मार्क द करेक्ट ऑप्शन। तो बेटा एक ग्राफ दे रखा हमें एनर्जी और रिएक्शन कोऑर्डिनेट का। तो यहाँ पे क्या बेटा, रिएक्टेंट की कुछ एनर्जी है और कुछ ना कुछ एनर्जी दी गई है बेटा, ताकि ये जो इस ये पार्ट होता है ना बेटा, इसको बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट ऑफ एनर्जी, ट्रांजिशन स्टेट ऑफ रिएक्शन। एक्चुअली में रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है, तो पहले ट्रांजिशन स्टेट बनती होती है, उसके बाद बेटा मेरा प्रोडक्ट बन रहा होता है। तो जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होती है बेटा रिएक्टेंट से ट्रांजिशन स्टेट से जाने के लिए, उसको बोला जाता है एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। तो यहाँ पे बेटा एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन कितनी हो जाएगी मेरी, E1 प्लस E2 हो जाएगी, ठीक है। और जो एनर्जी बेटा मेरे प्रोडक्ट ट्रांजिशन स्टेट से प्रोडक्ट तक आने के लिए लगी बेटा, उसको बोला जाता है एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। तो यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन कितनी हो जाएगी बेटा मेरी, E1 हो जाएगी, है ना। और जो बेटा डिफरेंस होता है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की एनर्जी का, उसको बोला जाता है डेल्टा एच, चेंज इन एंथैल्पी। क्या बोला जाता है बेटा, डेल्टा एच। डेल्टा एच क्या होता है बेटा, मेरा एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन माइनस एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, इस बात का भी ध्यान रखना है, ठीक है। अगर मान लीजिए प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा है रिएक्टेंट के कंपैरिजन में, तो मतलब प्रोडक्ट कम स्टेबल है बेटा, है ना। एनर्जी ज्यादा, क्योंकि एनर्जी क्या होती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। तो अगर प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा है बेटा, तो ये कम स्टेबल होगा। अगर प्रोडक्ट की एनर्जी कम है, तो बेटा ये ज्यादा स्टेबल होगा, है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, प्रोडक्ट की एनर्जी कम ज्यादा है, इसका मतलब कम स्टेबल होगा, और कम स्टेबल होगा तो बेटा डेल्टा एच की वैल्यू बेटा पॉजिटिव आएगी, क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी बैकवर्ड डायरेक्शन क्या कम है। तो ये चेक करते हैं वो ऑप्शंस को। पहला कहता है कि एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड डायरेक्शन क्या है, E1 प्लस E2 है, बिल्कुल सही बात है बेटा। और प्रोडक्ट इज लेस स्टेबल, बिल्कुल सही बात है, यहाँ पे प्रोडक्ट कम स्टेबल है, क्योंकि एनर्जी क्या है ज्यादा है। तो ऑप्शन नंबर 1 तो परफेक्टली करेक्ट है बेटा। सेकंड कहता है कि एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन तो E1 प्लस E2 है, बिल्कुल सही बात है, प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल नहीं है बेटा, इनकरेक्ट स्टेटमेंट लिख दी इसने। थर्ड कहता है कि एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन इज E1 प्लस E2, नहीं बेटा इनकरेक्ट है बेटा, फॉरवर्ड तो E1 प्लस E2 है, पर बैकवर्ड तो E1 प्लस E2 नहीं है, बैकवर्ड तो केवल E1 है, ठीक है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट लिख दी। और रिएक्टेंट कह रहा है ज्यादा स्टेबल है, ये बात से सही लिखी, रिएक्टेंट ज्यादा स्टेबल है, बट दोनों की E1 प्लस E2 तो नहीं है। फोर्थ कहता है बेटा मेरा एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इज E1, बैकवर्ड की सही बात है बेटा E1 है, प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल नहीं है बेटा, प्रोडक्ट कम स्टेबल है, है ना, क्योंकि इसकी एनर्जी ज्यादा है। तो ऑप्शन नंबर 1 परफेक्टली करेक्ट हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड द आंसर। थैंक यू सो मच।